वैष्णव चिन्ह ही तो सच्चिदानंद को प्रसन्न करने के दिव्य श्रृंगार हैं। उन चिन्हों को धारण करने से ही तो हमारा दासत्व, हमारा प्रभु प्रत्यय का संपूर्ण आराधना साधना पद्धति का श्रृंगार होता है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यतच्छुद्धम साकृतिस्तौमि। यदंगीकृतम जीवम अंगीकरोति त्रिभंगी स्वयं वेणुरंगिर प्रभुरियत गतिर्विठलेशे रतिर्विठलेशे मतिर्विठलेशे सदा वै ममास्तु। प्रभुर नंद कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय। सिंबल्स ऑफ वैष्णविज्म हमारे संप्रदाय के पुष्टि भक्ति मार्ग के चिन्हों पर हम चर्चा कर रहे हैं और चिन्हों पर की जाने वाली चर्चा इसलिए महत्व की है क्योंकि बहुत से ऐसे चिन्ह हम धारण करते हैं जो हम अपने प्रभु को भी धारण करवाते हैं, स्वयं भी धारण करते हैं। हम जो धारण करते हैं उसके पीछे हमारी वैष्णवता कारण है, हमारा दासत्व कारण है, हमें दीक्षा दी जाती है और हम दीक्षा लेकर दीक्षित होते हैं और दीक्षित शिष्य को, दीक्षित वैष्णव को, दीक्षित भक्त को किस प्रकार से, जिस परंपरा में वो दीक्षित हुआ है, जिस मंत्र से वो दीक्षित हुआ है, जिस गुरु परंपरा के आदेश को वो पालन करने के लिए कटिबद्ध है, तदनुसार तिलक हैं, कंठी हैं, वस्त्र आदि हैं और ऐसे द्वादश तिलक आदि अनेक प्रकार अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग प्रकार से कंठी धारण करने की, माला धारण करने की विधान हैं। और उन सब अलग अलग प्रकार से जो कंठी धारण करी जाती है, शिव मार्ग में रुद्राक्षादि धारण करते हैं, स्फटिकादिक का शाक्त प्रकार में जैसे उल्लेख किया गया है, ऐसे ही वैष्णवी प्रकार में तुलसी माला का तो क्रम हम लेते ही हैं लेकिन दर्भ की मालाओं का भी विधान मिलता है। पवित्र आदि को धारण करने का, प्रसादी पवित्र आदि धारण करके जप करने का भी विधान मिलता है। कई प्रकार के ऐसे सकाम मंत्र हैं जिनमें कमलगट्टा आदि की माला फेरते भी हैं, उसे धारण भी करते हैं। ऐसे ही सकाम कई मंत्र हैं जिनकी विशेष रूप से दीक्षा भी ली जाती है और दीक्षित होने के बाद उसी माला को फेरा भी जाता है और उसी माला को धारण भी कर लिया जाता है। श्री मंत्र राजत द्वय संस्कृतस्य कृष्णैक सेवा रसतत्परस्य सर्वेषु मंत्रेषु प्रधान दीक्षा विचार युक्तेषु सदा अधिकारः।
वो शिष्य का अधिकार देखते हुए, शिष्य की उत्साह को, जिज्ञासा को देखते हुए, उसकी सेवा परायणता और भगवत भाव देखते हुए गुरु उन मंत्रों को प्रदान करता है और उन मंत्रों को स्वीकार करने के बाद आवश्यक है उस शिष्य के, वैष्णव के जीवन में कि किस प्रकार से वो गुरु वचनों का पालन करते हुए उन मंत्रों का आराधन करे। और उन मंत्रों के आराधन के लिए वैष्णवी प्रकार में तुलसी माला का जैसे विधान है, उसी प्रकार से तिलक का भी हमारे यहां इतना ही विशेष विधान दिया गया है। और तिलक के रूप में ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण हम जब करते हैं, त्रिपुंड शैव मार्ग में धारण करते हैं, चंद्राकार या अर्धचंद्राकार शाक्त परंपरा में धारण करते हैं, तो ये वैष्णव शाक्त और शैव परंपराओं में अलग अलग प्रकार के अपने तिलक को धारण करने के पीछे जो मूल कारण है, वो तिलक धारण का मूल कारण ये है कि हमारे इष्ट के पादारविंद, चरणारविंद हमारे मस्तक पर विराजे। और फिर उसमें अलग अलग विधान से अलग अलग चिन्ह धारण करने का भी प्रकार हम देख सकते हैं। ये भावयंती सततम परिशीलयंती, ये वा स्मरंती वा प्यथकीर्तयंती, चिन्हानि गोकुलपतेश चरणस्थितानि तेषां भवेत् चरण पंकज मात्र भक्ति ही। जैसे युगल स्वरूप के चरणारविंद में, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में जैसे कुंभ स्वस्तिक ध्वजादि मीन और अलग अलग प्रकार से जो चिन्ह षोड़श विराजते हैं, उन चिन्हों के आधार पर हमारी इष्टाशक्ति के अनुरूप भी भावात्मक विधान मिलते हैं और वेदोक्त विधान भी मिलते हैं। पद्म पुराण आदि के उद्धरण से भी हमने जानेंगे कि किस प्रकार से कौन से चिन्ह को कहाँ धारण करना चाहिए और किस प्रकार का तिलक ऊर्ध्वपुंड वैष्णव को धारण करना चाहिए और ऊर्ध्वपुंड तिलक के भीतर किस प्रकार के चिन्हों को धारण करते हुए किसे हम गदा की मुद्रा कहते हैं, किसे हम संप्रदाय मुद्रा कहते हैं, किसे हम गोपीजन वल्लभ मुद्रा कहते हैं, किसे हम शंख चक्र और गदा आदि की, पद्मादिक की मुद्राओं को किस प्रकार से धारण किया जाता है, वो किस प्रकार से किस मंत्र के साथ, किस नाम के साथ शरीर के द्वादश अंग में उस द्वादश तिलक को किस प्रकार से धारण किया जाता है, उसके दर्शन प्रायः ये अंगरक्षी जो हम कहते हैं अंगरक्षी को, उसको धारण करने से उसके दर्शन प्रायः नहीं होते हैं। लेकिन जो धोती उपरणा धारण करते हैं जो आचार्य, उनके हम ये द्वादश तिलकों के भी दर्शन कर सकते हैं कि प्राचीन परंपरा से किस प्रकार से द्वादश तिलकों को धारण किया जाता था। तो ये तिलक का जो विधान है ऊर्ध्वपुंड तिलक, यही हमारे वैष्णवी जीवन का श्रृंगार है, परम चिन्ह है और हमारी दीनता का, दासत्व का सबसे बड़ा प्रतीक है। और प्राचीन ग्रंथ साहित्य में भी हमें प्रमाण मिलते हैं, ये कंठ लग्न तुलसी नलिलाक्ष माला, ये द्वादशांग हरिनाम कृतो ऊर्ध्वपुंड्राः, ये जो है ये द्वादशांग हरिनाम कृतो ऊर्ध्वपुंड्राः, ये ऊर्ध्वपुंड तिलक के संदर्भ में आज्ञा करते हुए, ये कृष्ण भक्ति सुदृढ़ धृतशंख चक्रा तैवई वैष्णवाः भवनमांशु पवित्रयंती, ये भवनमांशु पवित्रवंती जो है वो पवित्रता को प्रदान करने वाला ये ऊर्ध्वपुंड तिलक है, हमारी दीनता और दासत्व भक्ति को दृढ़ करने वाला ये ऊर्ध्वपुंड तिलक है। ऊर्ध्वपुंड तिलक वो हमारे इष्ट के चरणारविंद, नीचे का जो गोल भाग है वो हमारे प्रभु की एड़ी का भाग है और चरणारविंद चरण चिन्ह ऐसे छपता है जब हमारे मस्तक पर, तब हमारे वैष्णवी जीवन की धन्यता का कोई पार नहीं रहता है। वो मस्तक हमारे ललाट पर विराजते ही मानो एक नई ऊर्जा हमारे में संचारित हो जाती है। और प्रसादी कश्मीर कुमकुम जिसे हम केसर कहते हैं, उसके सम्मिश्रण से या स्वतंत्र रूप से दोनों का अलग अलग भी तिलक किया जा सकता है। प्रसादी चंदन, गोपी चंदन, केसर युक्त चंदन, अरंजा आदि का भी हम तिलक करते हैं। उसी प्रकार से कस्तूरी की श्याम बिंदी और चोका की, चोवा की श्याम बिंदी का भी विधान हमारे यहाँ प्राप्त होता है। तो ऐसे
कौन किस मंत्र की आराधना करता है, किस प्रकार से, किसको कौन सी गुरु आज्ञा है, और साथ साथ में उस चिन्ह को और सुंदरता से हम कैसे धारण कर सकें, और ऊर्ध्वपुंड श्रृंगार के रूप में अगर हम तिलक केसर चंदन आदि से उसे सुशोभित करते हैं, अलंकृत करते हैं, तो एक बात निश्चित है, यथा सुंदरता में याति, वो जैसे जिसको सुंदर लगे ऐसे करे, लेकिन ऊर्ध्वपुंड तो सब धारण करते ही है। कोई कैसे तिलक करता है, कोई कैसे तिलक करता है, कोई कौन से चिन्ह धारण करता है, कोई कोई रंग का चंदन लगाता है, किसी का गहरा है, किसी का हल्का है, ये सब अलग अलग विधान अपने अपनी स्वयं स्वयं रुचि के आधार पे, अपनी अपनी भावे के आधार पे, अपने अपने प्रभु की प्रसन्नता के आधार पे किए जाते हैं, करते हैं और हो रहा है। लेकिन ऊर्ध्वपुंड होना बहुत जरूरी है, और अगर कोई अपने तिलक को सुसज्जित कर भी रहा है तो कम से कम वो तिलक तो कर रहा है, कम से कम वो तिलक को ही तो सजा रहा है। चिंता तो हमें उन लोगों की करनी चाहिए जो वैष्णव होते हुए भी इस वैष्णवी चिन्ह को धारण करने में संकोच करते हैं। वैष्णव होते हुए भी, दीक्षित होते हुए भी, भगवत सेवा करते हुए भी, जिनके मस्तक पर, जिनके ललाट पर तिलक विराजमान नहीं होता, हमें चिंता और चिंतन तो उनका करना चाहिए। उनके मन में यह भाव जागृत हो कि हमारे प्रभु के चरणारविंद हमारे मस्तक पर विराजें, और ये दीनता का, दासत्व का भाव हम तो जानते हैं लेकिन और अन्य लोग भी जानें कि मैं कृष्ण का अनन्य सेवक हूँ, मैं मेरे प्रभु के दास भक्ति को स्वीकार करते हुए गुरु आज्ञा से मैं इस मार्ग का वैष्णव हूँ, गर्जन्ति हरि नाम भी। उस प्रकार से वैष्णवः सुखिनो लोके गर्जन्ति हरि नाम भी, तो वो गर्जन्ति हरि नाम भी उसका डिंडिम घोष करके वो अपने वैष्णवी चिन्ह को धारण करे, यही तो हमारे लिए सौभाग्य की, आनंद की और प्रसन्नता की बात होती है। तो हमने देखा कि पद के रूप में, स्थान के रूप में, हमारे गरिमा के रूप में, गौरव के रूप में इस चिन्ह को हम धारण करते हैं, जिसे हम तिलक कहते हैं, जिसे हम कंठी कहते हैं, जिसे हमारी वेशभूषा के रूप में हमारी वैष्णवता का दर्शन अन्य को होता है। हमें स्वयं तो होता ही है लेकिन अन्य भी उस दर्शन को कर सकें कि ये भगवदीय वैष्णव है, और उस भगवदीय वैष्णव के जीवन में कैसी दिव्य ऊर्जा होती है, ये आप स्वयं जब इसको धारण करते हैं तब आप स्वयं इसे अनुभव कर सकते हैं कि एक आप सामान्य रूप से जो व्यवहारिक रूप में आप वेश धारण करते हैं, और आप जब धोती अंगरखी धारण करते हैं, तिलक धारण करते हैं, उस समय आपके मन मस्तिष्क की जो चेतना है, जो उसका आंदोलन है, उसी में आपको आध्यात्मिकता का दर्शन होने लगता है, एक सहज रूप से हृदय में निर्मलता का अनुभव होने लगता है। तो इन चिन्हों का सूक्ष्म रूप से भी हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तिलक की बात जब हम करते हैं तो तिलक को लेकर कई बातें, कई प्रश्न और कई ऐसी बातें मन में आती हैं। कई बार हमको अलग अलग रूप से प्रश्न भी किए जाते हैं तिलक के संदर्भ में कि कौन सा तिलक हमें करना चाहिए, सभी के अलग अलग तिलक हैं, तिलक का वास्तविक रूप क्या होना चाहिए, तिलक कौन कर सकता है, किस प्रकार के तिलक हैं, किस वस्तु का तिलक करना चाहिए, हम किस वस्तु का तिलक करते हैं, अन्य किस वस्तु का तिलक धारण करते हैं, पुरुष ही तिलक को धारण करते हैं, स्त्री भी कई संप्रदायों में तिलक को धारण करती हैं, इस संप्रदाय में स्त्री को तिलक धारण करने के लिए क्यों निषेध कहा गया है या क्यों धारण नहीं करती हैं, कोई निषेधात्मक वचन तो मिलते नहीं हैं लेकिन क्यों तिलक धारण स्त्री नहीं करती हैं, महिलाएं स्त्री जो हैं वो तिलक धारण, महिलाएं जो हैं वो तिलक धारण क्यों नहीं करती हैं, और हमारे तिलक की बात तो छोड़िए लेकिन स्वयं ठाकुर जी, स्वयं प्रभु भी अपने मस्तिष्क पर तिलक धारण करते हैं, तो हम तो श्री ठाकुर जी के चरणारविंद के वो प्रसाद स्वरूप हमारी दास्य भक्ति को निरंतर अनुभूत करने के लिए, उस शरणागति को जीवित रखने के लिए, उस समर्पण को आत्मसात करने के लिए अपने मस्तिष्क पर तिलक धारण करते हैं। लेकिन प्रभु तिलक धारण क्यों करते हैं, इस प्रश्न के
जवाब में हम इतना ही कह सकते हैं कि प्रभु परम प्रेम रूप होकर वेदन ढूंढ्यो, पुराण न ढूंढ्यो, सकल शास्त्रमय ढूंढ न पायो, वृंदावन की कुंज गलिन में राधिका पायन पलोटत पायो। तो श्री राधिका जी के चरणारविंद के उस चरण चिन्ह के रूप में अपने प्रियाजू के उस चरण चिन्ह को आप श्री मस्तक पर धारण करते हैं। उस चरण चिन्ह को जब आप मस्तक पर धारण करते हैं तो कृपयति यदि राधा बाधिता शेष बाधा। राधा प्रार्थना चतुर्श्लोकी में किस प्रकार से अपने रसिकेंद्र शेखर प्रभु को श्री राधा जी ने स्वीकार किया है और किस प्रकार से श्री कृष्ण ने, स्वयं प्रभु ने अपने प्रियाजू को कैसे अंतर्मन में तो पधराया ही है, अपने आंखों में अपनी किकियों में तो बसाया ही है, लेकिन परम श्रृंगार के मुकुटमणि स्वरूप अपने ललाट पर विराजमान उस तिलक के रूप में अपने प्रियाजू के चरणारविंद को धारण करते हुए कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। तो कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, तो आप मृगमद तिलकम, आप मृगमद तिलक लगाते हैं, आप कस्तूरी का तिलक लगाते हैं, आप रोरी का कंकु का तिलक धारण करते हैं, आप गोपीचंदन धारण करते हैं, आप वो मृगमद तिलक धारण करते हुए आपके मुखारविंद की वो नीलांबरी शोभा, आपका श्याम स्वरूप नीलांबरी स्वरूप होकर और जब उस केसर युक्त कस्तूरी तिलक का जब चंदन सहित जब मस्तक पर आप धारण करते हैं तो उस नीलांबरी रूप में केसर की आभा विलक्षण रूप से आती है और उस आभा को हम निरखते 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 ये नयनों से कब तक उसका वर्णन करें, इन नयनों से हम कब तक उस सौंदर्य का वर्णन करें, उस लावण्यमय स्वरूप का हम कैसे वर्णन कर सकते हैं। शब्द हमारे पास नहीं है, लेकिन जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब हमें उस स्वरूप को आत्मसात करने के लिए, निरखने के लिए अपने चर्म चक्षु की नहीं अंतर चक्षु से ही उन प्रभु के सौंदर्य का, उस तिलक धारण किए हुए मंगलमय रूप का दर्शन हमें अंतर मन से करना पड़ता है। और अंतर मन से करने के लिए यहाँ हमारे वर्षोत्सव के सेवा क्रम में अलग अलग प्रकार से कई कीर्तनों में हम देख सकते हैं कि कीर्तनों में भी बारंबार प्रभु के मस्तक पर विराजमान उस तिलक का बड़ा वैशिष्ट्य बताया है हर प्रसंग में, क्योंकि वैदिक विधानों का भी महत्व हमारे यहां गंधाक्षतम समर्पयामि, उस प्रकार से जैसे पंचोपचार पूजा में षोडशोपचार पूजा में जैसे गंधाक्षत समर्पण करते हैं उस प्रकार से गंधाक्षत के साथ साथ तांबुल अर्पण किया जाता है, आरार्तिकम समर्पयामि प्रदक्षिणा करी जाती है, इस प्रकार से घंटानाद होते हैं, पंचनाद किए जाते हैं, पंचनाद के बाद दंडवत प्रणाम कर और जिस प्रकार से श्री ठाकुर जी को उत्सव आदि क्रम में हमारे यहाँ विशेष तिलक धारण किया जाता है। आज किसके दर्शन हैं, तो भाई आज श्रृंगार समय ग्वाल में आज जन्माष्टमी होने के कारण से श्रृंगार समय तिलक होगा, श्री महाप्रभु जी का उत्सव, श्री गोपीनाथ जी गोसाई जी श्री यदुनाथ ताचरण के उत्सव, तत्त आचार्यों के उत्सव पर जिस प्रकार से तिलक की महिमा है, जिस प्रकार से जन्माष्टमी राधाष्टमी दशहरा अंकुट गोवर्धन पूजा आदि में अलग अलग प्रकार से चारों जयंतियों में जिस प्रकार से प्रभु को तिलक धारण कराया जाता है, तो हमारे तिलक की बात तो छोड़िए, लेकिन प्रभु स्वयं भी तिलक धारण करके और उस तिलक के प्रकार से इतना विलक्षण स्वरूप का दर्शन हमें करवाते हैं। और वर्षोत्सव के क्रम में जहाँ अष्टायाम सेवा के अंतर्गत जो हमारे तीज त्यौहार हैं, जो हमारे वर्षोत्सव हैं, जो उत्सव हैं, जो प्रागट्य पर्व हैं, जो जयंती हैं और जो ऐसे पर्वात्मक उत्सव हैं जैसे दशहरा है, दिवाली है, रक्षाबंधन है आदि आदि, इन सभी पर जिस प्रकार से तिलक को बहुत महत्व देते हुए तिलक के जाहिर दर्शन और तिलक के सेवा क्रम को इस प्रकार से उत्सवात्मक रूप से मनाया जाता है, मानो
तिलक अपने आप में बहुत बड़ी एक उत्सवात्मक प्रतीकात्मक विधि हो, उस रूप से सेवा क्रम में हमारे कीर्तन साहित्य में उसका बड़ा वैशिष्ट्य देते हुए वर्षोत्सव के क्रम में कहा गया है। तो मैंने कुछ ऐसे कीर्तनों का संकलन भी किया कि जिनमें विशेष करके प्रभु को धराए जाने वाले तिलक का अलग अलग उत्सवों पे वर्णन किया गया है। जैसे भाई दूज के दिन, आज दूज भैया की कहियत, कर लिए कंचन थाल के, करो तिलक तुम बहन सुभद्रा बल अरुषि गोपाल के। बलराम और गोपाल को सुभद्रा जी भाई दूज के दिन आरती कर रही हैं, थाल सन चुके हैं, भोग सन्मुख आ चुके हैं और ठाकुर जी को भोजन पर विराजने के बाद बहन सुभद्रा जी तिलक कर रही हैं। तो यहाँ भी तिलक का महत्व इस पर्व में माना गया है। उसी प्रकार से गोवर्धन लीला के अंतर्गत भी जब गोवर्धन पूजा के लिए आप पधारते हैं, तब पूजा विध गिरिराज की नंदलाल बतावत, झुंडन झुंड गोपिका ब्रज मंगल गावत, उस प्रकार से वहाँ वर्णन मिलता है। और उसमें आगे तिलक कियो बीड़ा दियो माला पहरावत, माने तिलक माला और बीड़ा इन तीनों को अर्पण करते हुए पूजा विध गिरिराज की नंदलाल करावत, गिरिराज जी का पूजन स्वयं ठाकुर जी करवा रहे हैं, वहां भी इसका वर्णन किया गया है। उसी प्रकार से रूप चतुर्दशी के जब अभ्यंग होते हैं तो उस अभ्यंग में भी नाहत बल कुंवर कुंवर गिरधारी, नाहत बल कुंवर कुंवर गिरधारी, जसुमति तिलक करत मुख चूंबत, आरती नवल उतारी। स्नान चौकी पर आप विराजमान हैं, सुगंधि फुलेल आदि समर्पण हो चुका है और उस समय में जशोदा जी आपके ललाट पर दिव्य तिलक धारण करवा कर और उस दिव्य स्वरूप की आरती उतार रही है, और जब तेल समर्पित किए हुए श्रृंग की आरती उतारी जाती है, उस सौंदर्य की, उस लावण्य की शोभा शब्दों में करना संभव नहीं है। उस समय तो यही बात आती है कि नयन भर देखो नंद कुमार। तो इस प्रकार से रूप चौदस के अभ्यंग में भी तिलक का वैशिष्ट्य वहां माना गया है। साथ ही साथ आज बने सखी नंद कुमार, ये कांधरा में एक कीर्तन गाया जाता है श्री सन्मुख, और उस समय आगे उसमें आता है कि रोरी को सिर तिलक विराजत, करत आरती हरख अपार, आज बने सखी नंद कुमार। नंद कुमार के दिव्य श्रृंगारों को जब दर्शन करते हुए और आप पुनः नंद भवन के द्वार पर पधारे हैं, उस समय वाम भाग वृषभान नंदनी ललितादिक द्वार गावे सिंह द्वार, तो वाम भाग वृषभान नंदनी विराज रही हैं और ललितादिक सिंह द्वार पर खड़े होकर और आज बने सखी नंद कुमार प्रभु का स्वागत कर रहे हैं, और रोरी को सिर तिलक विराजत, करत आरती हरख द्वार। तो इस प्रकार से उस समय भी श्री ठाकुर जी के आगमन में, आज्ञोनी में, ठाकुर जी के स्वागत करने के रूप में वहाँ भी श्री स्वामी जी आदि सभी आप मिलकर तिलक धारण करवा रही हैं। उसी प्रकार से गौचारण के समय में जब प्रभु पधारते हैं तो वहाँ जशोदा जी जब गौचारण के लिए ठाकुर जी पधारते हैं, उस समय भी गोविंद चले चरावन गैया, हर की के आज भलो दिन कहत जशोदा मैया, और उसमें भी आगे वर्णन आता है, करी शिर तिलक आरती भारत फिर लेत बलैया। जब जशोदा जी प्रभु को गौचरण के लिए विदाई कर रही हैं, उस समय भी तिलक करके श्री ठाकुर जी की बारंबार लेत बलैया, तो उस प्रकार से ठाकुर जी की बलैया जशोदा जी तिलक धारण करवा के कर रही हैं। यहां भी तिलक का अपन को महत्व मिलता है। दिवाली के दिनों में तो इसका विशेष महत्व अपन के सेवा क्रम में लिया गया है, और हम दर्शनों में भी देखते हैं कि बड़ो पर्व त्योहार दिवारी, बड़ो पर्व त्योहार दिवारी, विविध श्रृंगार कियो लरिकन को, रोरी को तिलक सोहत अति भारी। तो यहां रोरी को सिर तिलक शोभित अति भारी, बड़ो पर्व त्योहार दिवारी। तो इस प्रकार से दिवाली के कीर्तनों में भी इसका वर्णन, तिलक का वहां भी हमें वैशिष्ट्य मिलता है और तिलक के स्वरूप का दर्शन यहां भी हमें कराया जाता है। उसी प्रकार से अलग अलग वर्षोत्सव के सेवा क्रम में विवाह का अगर हमने मनोरथ किया है और विवाह के दिन चल रहे हैं, प्रबोधनी के बाद जो विवाह का प्रकार प्रारंभ होता है, उसमें भी अपने लाल को ब्याह करूंगी बड़े गोप की बेटी सो, जासों हमसों जतिया चारों
भोजन भेटा भेटी सो। उसमें आगे आता है कस्तूरी को तिलक बनावे चंदन पीत चढ़ावे। कस्तूरी को तिलक बनावे चंदन पीत चढ़ावे, तो चंदन और रोरी को तिलक, ये दोनों, ये यशोदा जी अपने लाल को ब्याह करूंगी बड़े गोप की बेटी सो। यहाँ श्री यशोदा जी अपने लाल को वृषभान नंदिनी के साथ ब्याह करने के लिए जब पधरा रही हैं, उस समय में भी तिलक चंदन धारण करवा कर और आपको ब्याह के लिए प्रस्थान करवाया है। गोधन पूजा करके गोविंद सब ग्वाल पहरावत, गोवर्धन पूजा के क्रम में आता है और उसमें आगे वर्णन आता है, अपने हाथ तिलक दे माथे चंदन और बंधन लपटावत। तो स्वयं ठाकुर जी भी ग्वाल बालों को तिलक कर रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं और बंधन उपर्णी धारण करवा रहे हैं। तो इस प्रकार के चिन्हों को स्वयं भी धारण करते हैं प्रभु और अपने ग्वाल बालों को भी स्वयं धारण करवाते हैं। और आज बधाई बाबा नंद के हमारे यहाँ बधाई गानों में तो इसका बहुत विपुल वर्णन मिलता है। आंगन थार हाथ दे सजे अक्षत रोरी बीच फूली, आज आंगन मची कीच फूली गोपी ब्रज मंगलचार। आज बधाई बाबा नंद के ब्रज मंगलचार, तो आज बधाई बाबा नंद के मंगलचार, आंगन मची कीच फूली गोपी का ब्रज मंगलचार। उसमें नखशिख अंग श्रृंगार फूली मंगलचार, तिलक करत नंदलाल को ब्रज मंगलचार। यहाँ तिलक करी नंदलाल को ब्रज मंगलचार, तो यहाँ भी बधाई का जो क्रम लेते हैं, उस समय में नंदराय जी को जब बधाई देनी आई है तो ब्रज गोपिकाएं क्या कर रही है, बहुत उत्साह से हरख फूली होकर और नंद भवन में आई हैं और श्री ठाकुर जी के लिए पकवान मिठाई मेवा पधराए हैं और साथ साथ नंदलाल को रोरी को तिलक करा रही है। तो यहाँ भी ठाकुर जी को तिलक धारण करवाया गया। तो इस प्रकार से कीर्तन साहित्य में बहुत विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। राग रामकली में हमारे यहाँ गाया जाता है, नंद को लाल ब्रजपाल ने झूले, बहुत प्रसिद्ध कीर्तन है। कुटिल अलकावली तिलक गोरोचना चरण अंगुष्ठ मुख किलक फूले, नंद को लाल ब्रजपाल ने झूले। नैन अंजन रेख भेख अभिराम सुधि कंठ के हरि किंकिनी कटी फूले, नंद दासनी नाथ नंद नंदन कुंवर निरकी नागरी देह गेह भूले, नंद को लाल ब्रजपाल ने झूले। यहाँ किस प्रकार से अपने नंदराज कुमार को, अपने नंदलाल को यशोदा जी सब गोपीजनों ब्रजवासियों के मध्य विराजमान करके और ठाकुर जी को पलने झुला रही हैं। और कुटिल अलकावली तिलक गोरोचना, जो आपके मस्तक पर तिलक गोरोचन का तिलक विराजमान है और उसके ऊपर कुटिल अलकावलियां आपकी लहरा रही हैं, कैसी अद्भुत मुखारविंद की शोभा आ रही है। तो नंददास जी के इस कीर्तन के माध्यम से भी तिलक में बाल स्वरूप में विराजमान प्रभु के मस्तक पर उस दिव्य तिलक का, गोरोचन तिलक का आपको सुंदर वर्णन देखने मिलता है। उसी प्रकार से राग कांधना में जय जन शरण आए, उस प्रकार से शरण आई सोहे तारे ब्रज जन शरण आए सोही तारे, दीन दयाल प्रकट पुरुषोत्तम श्री विठल नाथ ललारे। श्री गोसाई जी की बधाई में हम गाते हैं, जितनी रवि छाया की कणिका तितने दोष हमारे, शरण आए सोही तारे ब्रज जन शरण आए सोही तारे, माला कंठ तिलक माथे पर शंख चक्र वपु धारे शरण आए सोही तारे। श्री गोसाई जी ने माला तिलक और सभी मुद्राओं को धारण किए है, वपु धारे आपने दिव्य दर्शन किए और ऐसे श्री गोसाई जी के विठलनाथ जी के शरण में जो जाता है उसको श्री विठलनाथ जी, जितनी रवि छाया की कणिका तितने दोष हमारे, इतने दोष अगर हमारे होते हैं तो भी ऐसे गोरोचन तिलक मुद्रा धारण किए हुए श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी और प्रभृति सभी आचार्य, उस प्रकार से हम जीवों का उद्धार करते हैं। और ऐसे श्री गोसाई जी के लिए जो तिलक धारण करके वैष्णव आपके सम्मुख होता है उसको अपनों करके जाने हैं, क्योंकि उसने वैष्णवी चिन्ह धारण किया हुआ है, भगवत चरणारविंद को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, इसलिए उसको विशेष रूप से अपनों करके तहां प्रभु जाने हैं। राग धनाश्री में सबन सो कहत जसोदा माई जन्मदिन लाल को फिर आयो, जन्माष्टमी की बधाइयों में हमारे यहाँ ये कीर्तन अपने यहाँ सभी प्रचलन में इसको गाया जाता है। रोरी को टीको दियो अंजन नयनन
लगाए। नैनों में अंजन आंज के और श्री ठाकुर जी के ललाट पर रोरी को टीको दियो और रोरी का वहां तिलक लगाया गया। सबन सो कहत जसोदा माई जन्मदिन लाल को फिर आयो। तो इस प्रकार से जन्माष्टमी के क्रम में श्री महाप्रभु जी की भी बधाई ले लें तो महाप्रभु जी की बधाई में श्री वल्लभ ग्रह द्वार बधाई बाजत आद सुहाई। उस कीर्तन में भी राग सारंग में आगे आता है कि तिलक करत आरती उतारत पुन पुन लेत बलाई, सहज तिलक मृग मद को देखियत द्रग अंबुज न अघाई। द्रग अंबुज न अघाई, हमारे आंखों के ये जो कमल हैं, जो डोरे हैं, वो आपके मस्तक पर विराजमान इस दिव्य तिलक का दर्शन करके और अघात नहीं है, ऐसा लगता है मानो निरंतर इनका हम दर्शन करते रहें। श्री वल्लभ ग्रह द्वार बधाई बाजत आज सुहाई। ऐसे ही श्री ठाकुर जी के बाल लीला के कीर्तनों में बहुत सुंदर कीर्तन आता है, राग बिलावल में अपने यहाँ गाया जाता है। घुटरु न चलत रैनु तन मंडित मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन छवि गोरोचन को तिलक दिए। गोरोचन को तिलक लगाए, यहां भी गोरोचन के तिलक की बात की गई है। तो इस प्रकार से बाल लीला के कीर्तनों में भी और नंद महोत्सव के कीर्तन में भी तुम ब्रजरानी के लाला अहदधि मथती सुहाई के लाला दिव्य कनक को पलनाल लाल रत्न जड़ित नगहीर। ये अपने यहां बहुत प्रसिद्ध कीर्तन है और ये कीर्तन जब आसावरी में अपने यहाँ नंद महोत्सव के दिन आता है उस समय नंद महोत्सव के कीर्तन पूरे होते हैं और पलना के कीर्तन प्रारंभ होते हैं, तन्मध्ये इस कीर्तन को गाया जाता है और तुम ब्रजरानी के लाला अहोदधि मथती सुहाय के लाला दिव्य कनक को पलना और रत्न जड़ित नगहीर इसको वहाँ गाया जाता है। और नंदराय जी भीतर पधार कर श्री ठाकुर जी को झुलाते हैं और दुर्वा पधरा कर श्री यशोदा जी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये आज भी नंद महोत्सव के दिन अपने यहाँ ये क्रम होता है। गज मोती ने के झुमका लाल ऊपर दक्षिण चीर, जो पीताम्बर धराए जाते हैं वो दक्षिण रूप दक्षिण वाम रूप में दोनों तरफ पलना के विराजमान होते हैं। अस्तु, तो उस कीर्तन में भी आगे आसावरी में हमारे यहाँ जब गान होता है उस समय गाया जाता है तिलक खुलियो गो रोचना लाल घुंघर वारे केश, ऐसे घुंघराले केश वाले प्रभु पल्ला में विराजमान हैं और उसमें अलग से क्या खिल रहा है। श्याम छवि के ऊपर रोरी को तिलक केसर को तिलक बनाए के और गोरोचन को चंदन खिल रहे हैं और वहां में घुंघर वारे केश, ऐसे ठाकुर जी पल्ले तिलक लगाकर पलना झूल रहे हैं और ब्रज भक्तों को नंद महोत्सव का दर्शन हो रहा है। ये सब कब संभव हो पाता है? ये तभी संभव हो पाता है जब ऐसी कौन करे गुरु बिन, ऐसी कौन करे। जगत गुरु आचार्य शिरोमणि हमारे श्रीमन महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण जब तक जीव पर कृपा नहीं करते तब तक न तो हमें स्वयं तिलक धारण करने का विवेक जागृत होता है और ना ही प्रभु के मस्तक पर जो दिव्य तिलक विराजमान है उस तिलक का महत्व समझ में आता है। इसीलिए गुरु बिन ऐसी कौन करे, माला तिलक मनोहर बानो ले सिर छत्र धरे। आपने माला तिलक धारण करी है और आपके उस दिव्य दर्शन करके आपके आज्ञा अनुसार हमने भी उस माला तिलक को अपने जीवन का श्रृंगार बनाया है। ऐसे तिलक की महिमा अष्ट सखाओं ने बहुत विलक्षण रूप से श्री मस्तक पर विराजमान प्रभु के मुखारविंद पर विराजमान उस तिलक की महिमा उस तिलक की गरिमा का गुणगान किया है। ऐसे ही श्री महाप्रभु जी गोपीनाथ जी गोसाई जी सप्ताचार्यों की और पूर्वाचार्यों के अनेक बधाई गान के कीर्तनों में वर्षोत्सव के कीर्तनों में तिलक की महिमा का दर्शन दिव्य रूप से हम कर सकते हैं। प्रस्तुतावत इसमें ज्यादा विस्तार नहीं करते हैं लेकिन अर्थ तिलक के अलग प्रकार को समझते हैं कि तिलक हमें क्यों धारण करना चाहिए और कौन सा तिलक धारण किस प्रकार से करना चाहिए। तो ध्यान रहे ऐसे ही तिलक को केवल अपने चिन्ह के रूप में नहीं लेकिन हमारे संप्रदाय के प्रतीक के रूप में भी, हमारी दासत्व की पूर्णता के रूप में भी, हमारी भगवत कृपानुभूति के प्रबल साधन के रूप में भी और निरंतर भगवत सेवा में जब हैं, भगवत नाम स्मरण या सत्संग कीर्तन में हम हैं उस वक्त तो अनिवार्य रूप से उन भगवत चरणारविंद स्वरूप ऊर्ध्वपुंड तिलक को धारण करना
हमारा स्वधर्म स्वकर्तव्य माना गया है। आइए कुछ पूर्वाचार्यों के दिव्य वचनों का अनुसंधान करते हुए श्री आचार्य चरणों के तिलक के बारे में क्या आदेश हैं। श्री आचार्य चरण, श्री वल्लभाचार्य चरण स्वयं निबंध के सर्वनिर्णय प्रकरण के द्वितीय प्रकरण में आप आज्ञा करते हैं, तुलसी काष्ठजा माला तिलकम लिंगमेव तत्। सर्वनिर्णय में 244वें श्लोक में श्री आचार्य चरणों ने तिलकम लिंगमेव तत् यह आपने आज्ञा करी है कि तिलक धारण करना ही, तुलसी की माला धारण करना ही वैष्णव के बाह्य चिन्हों में से प्रमुख चिन्ह है। उन बाह्य चिन्हों के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। प्रवाह मार्ग में जिस प्रकार से व्यक्ति जीता है, मर्यादा में आकर जिस प्रकार से वो अपने प्रभु को, अपने गुरु को और गुरु के आदेश अनुसार प्रभु को पाने वाले मार्ग को जब समझता है, तब प्रारंभिक अवस्था में उसे किस प्रकार से तिलक धारण करने के लिए मार्गदर्शित किया जाना चाहिए, उस विषय पर विशेष रूप से आचार्यों ने भार देते हुए कहा है। श्री गोपीनाथ तातचरण ने भी साधन दीपिका में 38वें श्लोक में इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है और आप आज्ञा करते हैं, ऊर्ध्व पुंड्राणी नण मुद्रा तुलसी काष्ठा जपी स्रक। इस श्लोक में ऊर्ध्व पुंड्राणी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। बहुवचन का प्रयोग इसलिए किया गया कि ऊर्ध्वपुंड तिलक के साथ साथ और अन्य द्वादश तिलकों को भी भक्त को, वैष्णव को धारण करना चाहिए। और द्वादश तिलक के बारे में आगे वर्णन मिलता है कि हरिभक्ति विलास में कहा गया, द्वादशांगे ललाटादौ तिलकम हरिमंदिरम स्थानांते वैष्णवक कुरियाद प्रत्येकम कृष्ण नाम भी ही। तो स्नानांते वैष्णवक कुरियाद प्रत्येकम हरिनाम भी ही, इसको कृष्ण नाम कैसे अपने श्रियंग के ऊपर, कौन से शरीर के भाग पर, इंद्रियों पर किस किस प्रकार से किस नाम का तिलक धारण करना चाहिए, जिसको द्वादशांग तिलक कहा, जिसको द्वादश तिलक के रूप में हम जानते हैं, उस द्वादश तिलक को किस प्रकार से करना चाहिए, किन किन प्रकार से करने का वर्णन कहां कहां मिलता है, उस पर अगर हम चिंतन करें तो ललाटे केशवम विद्याच कंठे पुरुषी पुरुषोत्तमम वाम बाहु वासुदेवम सव्ये दामोदरम तथा नाभौ नारायणम चैव माधवम हृदय तथा गोविंदम दक्षिणे पार्श्वे वामे चैव त्रिविक्रमम। इस प्रकार से पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में अलग अलग भिन्न भिन्न नामों से दोनों प्रकार से वर्णन मिलता है। आगे चलकर द्वादश तिलक को धारण करने की जो विधा है उसमें श्री रघुनाथ तातचरण, श्री गोसाई जी के पंचम कुमार श्री रघुनाथ तातचरण, श्री रघुनाथ जी आज्ञा करते हैं कि उच्चैश चत्वारि चक्राणि बाहुमूले तु दक्षिणे नाम मुद्रा द्वयम् नीचे ही शंखम एकम तयोरपि। इस प्रकार से कौन से चिन्ह को कहाँ धारण करना, किस प्रकार से धारण करना और किस किस नाम से धारण करना, इसका विवेचन किया जाता है। ललाट पर ओम केशवाय नमः से तिलक धारण करना चाहिए। ललाट पर हम जब तिलक करते हैं तब ओम केशवाय नमः, कंठ में ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः, वाम बाहु ओम वासुदेवाय नमः, दक्षिण बाहु ओम दामोदराय नमः, नाभि ओम नारायणाय नमः, हृदय ओम माधवाय नमः, दक्षिण पार्श्व ओम गोविंदाय नमः, वाम पार्श्व ओम त्रिविक्रमाय नमः, दक्षिण कर्ण ओम विष्णवे नमः, वाम कर्ण ओम मधुसूदनाय नमः, शिर पर ओम ऋषिकेशाय नमः और पृष्ठभाग पर ओम पद्मनाभाय नमः। इस प्रकार से दंडाकारम ललाटे स्यात् पद्माकारम तु वक्षसि वेणुपत्र निभम बावो दीपक आकृति में। इस प्रकार से दीपक आकृति के रूप में भी इसको
वर्णन करना चाहिए। इसकी और विस्तार से अगर हम व्याख्या करें तो सर्व निर्णय के 244वें श्लोक में जैसे श्री सर्व निर्णय में श्री आचार्य चरणों ने आज्ञा करी है और उसमें टिप्पणी में और आवरण भंग में जिस प्रकार से प्रभुचरण और श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं उसका विस्तार तो बहुत विशद रूप से हमको करना पड़ेगा। लेकिन संक्षेप में अगर हम समझें तो इतना जरूर समझ में आता है कि भ्रुवोर मध्यादह स्थानम मूल माहूर निमीषिणः, इस प्रकार से जो दोनों हरे पदाकृतिम कार्य मूर्ध्वपुंड्रम मनोहरम, हरि की जो पदाकृति है उसका ये ऊर्ध्वपुंड्र रूप से ये एड़ी का भाग है और ऊपर का भाग खुला हुआ है, उस प्रकार से दोनों स्वरूप से आपके चरणारविंद अपने मस्तक पर विराजमान होते हैं। और योग साधना की दृष्टि से वैष्णव तंत्र की दृष्टि से देखें तो तिलक धारण केवल मुद्रा धारण या केवल बाह्य चिन्ह के रूप में नहीं है, इसको कुंडलिनी जागरण के साथ भी इसको इसकी तुलना की जाती है। और कुंडलिनी जागरण के लिए भी जो हमारे सप्तचक्र हैं उनकी जागृति भी इस प्रकार के द्वादश तिलक लगाने से जागृत होती है। और फिर जब हम भगवत नामोच्चारण के लिए साधना के लिए सेवा के लिए जब हम जपादि पाठादि करते हैं उस प्रकार से उस मंत्रों से ये चिन्ह जागृत होते हैं और चिन्ह जागृत होकर तत्त्व स्थान पर विराजे हुए चिन्ह हमें आदिदैविक ऊर्जा का दान करते हैं। क्योंकि ये सब चिन्ह ये सब मुद्राएं भी भगवत स्वरूपात्मक हैं, इसलिए हर मुद्रा के साथ भगवत नाम का उल्लेख किया गया है। तो हमारे जो सप्त चक्र हैं उस चक्रों को जागृत करने के लिए मूलाधार से लेकर स्वाधिष्ठान, हम नीचे से ऊपर आए तो मूलाधार से लेकर स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद अनाहत, अनाहत के बाद विशुद्ध, विशुद्ध के बाद आज्ञा चक्र और आज्ञा के बाद सहस्त्रार चक्र। अगर हम उन सप्त चक्रों की भूमिका ऊपर से नीचे विचार करें तो सहस्त्रार, आज्ञा चक्र, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान और मूलाधार के रूप में इन सप्त चक्रों की भूमिका को हम समझ सकते हैं। इन सप्त चक्रों के जागरण के लिए जैसे इड़ा पिंगला नाड़ियां हमारी, जैसे इड़ा पिंगला नाड़ी हमारी सुषुम्ना को जागृत करते हुए उस आज्ञा चक्र पर केंद्रित होती हैं और उस आज्ञा चक्र के ऊपर जब हम तिलक धारण करते हैं तो इसमें शीतोपचार और उष्णोपचार दोनों होते हुए जैसे हम सवेरे उठे तो सवेरे उठने के बाद हमने शीतोपचार किया, आँख में हमने जल छिड़का, जल से हमने आँखें धोई तो हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर शीतल जल लगता है। वो रात भर जो देह की ऊर्जा से वो आज्ञा चक्र जो उष्ण हुआ है उसका शीतोपचार होता है जल छांटने से। हम दोनों आंगली में इस प्रकार से जल लेकर छांटते हैं तो वो जल यहाँ लगता है, आँखों को तो शुद्ध करता ही है लेकिन वो जल उसी प्रकार से हमारे देह को शुद्ध करता है और साथ साथ आज्ञा चक्र को शीतोपचारित करता है। और शीतोपचार होने के बाद उसके ऊपर जब हम तिलक धारण करते हैं तो तिलक धारण करने के वक्त हम कश्मीर कुमकुम मतलब केसर का तिलक लगाते हैं, वो उसका उष्णोपचार होता है, वो उसका उष्णोपचार होता है। माने पहले शीतोपचार हुआ, पहले जो गर्म रात को पूरा देह तप्त था सवेरे उठने के बाद उसका शीतोपचार हुआ, केसर का कंकु का तिलक लगाने के बाद, क्योंकि तिलक भी जो कंकु का हम लगाते हैं रोरी का जो तिलक लगाते हैं वो भी हल्दी से ही बनता है और केसर की और हल्दी की दोनों की गर्म प्रकृति है तो वो तिलक लगाने से उसका पुनः उष्णोपचार होता है। उसके अंदर फिर हम चंदन लगाते हैं और चंदन के अंदर हम द्वादश तिलक लगाते वक्त हम गदा की मुद्रा को धारण करते हैं और भगवान की जो कौमुदी की गदा है वो गदा भी वायु का प्रतीक है और वो वायु के प्रतीक को हम चंदन को उस आज्ञा चक्र के ऊपर लगाते हैं।
इसलिए वायु शुद्धिकरण भी हमारी इड़ा पिंगला और सुषुम्ना का होता है और साथ साथ उसका शीतोपचार भी हो गया। रात्रि का उष्णोपचार, जल से शीतोपचार, केसर के तिलक से उष्णोपचार, चंदन से पुनः शीतोपचार और उसके बाद मध्य में हम कस्तूरी की तिलक की बिंदी लगाते हैं, हम श्याम तिल बिंदी लगाते हैं, उस टीकी को पुनः उस चंदन के शीतोपचार के ऊपर पुनः वो कस्तूरी का उष्णोपचार होता है और उसके बाद हम भगवत नाम लेते हैं तो वो हमारा शीतोपचार होता है। इस प्रकार से ठंडे गरम से उस इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों को परिशुद्ध करते हुए हम जब तिलक धारण करते हैं तब तिलक में वो ऊर्जा प्रकट होती है और उस ऊर्जा के माध्यम से हमारी साधना में, नाम स्मरण में, जप पाठ और भगवत सेवा में वो आधिदैविक ऊर्जा हमें और मन की एकाग्रता के लिए, चित्त की प्रवृत्ति को स्थिर करने के लिए और मन को निरंतर उस भगवत सेवा में लगाने के लिए ये सब शीतोपचार, उष्णोपचार और इन नाड़ियों का समन्वय द्वादशांग जो हम तिलक धारण करते हैं उस द्वादश तिलकों के रूप में हमारे इस देह को परम पवित्रता प्रदान करते हुए देह को ही मंदिर के रूप में बना देता है। और देह मंदिर जब बन जाता है तो अपने आप उसमें प्रभु विराज कर अपने प्राणों की प्रतिष्ठा कर देते हैं। इसलिए यहां पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा, पुरुषोत्तम नामात्मक द्वादश तिलक धारण करने से हमारे देह रूपी इस भवन में, मंदिर में हो रही है। तो इस प्रकार से द्वादश तिलकों का विधान बहुत सुंदर रूप से किया गया है। तिलक धारण करने के लिए कुछ विधि भी बताई गई हैं, कुछ विधान भी बताए गए हैं। स्नान करने के बाद हम हल्दी से बने हुए प्रसादी कंकु का तिलक करें, यही सबसे श्रेष्ठतम पक्ष माना है। हमारे यहाँ इसलिए चंदन का तिलक जैसे करते हैं कई लोग, वो चंदन के तिलक का विधान इसलिए नहीं किया गया कि हम मस्तक पर जो लाल कंकु का तिलक करते हैं वो हमारे प्रभु के मस्तक पर विराजमान जो प्रसादी कंकु होता है उसी प्रसादी कंकु का तिलक हम उस तिलक के लिए, उस कंकु के रूप में उसका उपयोग करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ चंदन के तिलक का विधान न करते हुए कंकु के ही तिलक का विधान किया गया है। और अगर हम कंकु का तिलक नहीं धारण कर सकते हैं तो हम कश्मीर कुमकुम केसर का तिलक धारण कर सकते हैं, ये दोनों प्रकार से हमारे यहाँ माना गया है। और कई लोग अलग अलग भावात्मक रूप से उसके अलग अलग वर्णन करते हैं। कोई कहता है ये श्री यमुना जी के दो किनारे हैं, बीच में विराजमान चंदन जो है वो कृपा पारावारी श्री यमुना जी का दिव्य स्वरूप है। श्री गोकुलनाथ जी के क्रम में जैसे दंडाकार तिलक का प्रकार है, तो जहांगीर के शब्दों का मान रखते हुए आप श्री ने नीचे का स्थान जो ऊर्ध्व कुंड का जो गोलाकार है उसको वहां से हटाकर और कंठी को भीतर धारण करेंगे और इस प्रकार से, तो दोनों बातें तिलक को धारण करने का प्रकार भी आपकी परम कृपा से हमें प्राप्त हुआ और तिलक धारण करने का भी हमें अधिकार प्राप्त हुआ। तो माला तिलक की रक्षा जैसे आप श्री ने करी है तो उस प्रकार से दंडाकार तिलक का भी हमें विधान प्राप्त होता है और हम दर्शन भी करते हैं श्री गोकुलनाथ जी के घर में। जितने भी आप वैष्णवजन विराजते हैं, आचार्य विराजते हैं, दंडाकृति तिलक का प्रकार हम देखते हैं। ऊर्ध्वपुंड तिलक के संदर्भ में कोई कहता है श्याम बिंदी श्री यमुना जी का रूप है, कोई कहता है लाल रंग वो प्रेम का प्रतीक है, कोई कहता है ये पीला रंग जो पीला चंदन हम केसरी चंदन पीला चंदन हम लगाते हैं वो श्री स्वामी जी का स्वरूप है। ऐसे कई अलग अलग भावनाएं तिलक के रंग, तिलक की मुद्राएं और अलग अलग प्रकार के तिलक धारण करने का जो एक उस तिलक की मुद्रा को, चिन्ह को सौंदर्य प्रदान करने के लिए जो अलग अलग प्रकार से उसे अलंकृत किया जाता है, शोभित किया जाता है, वो यथा सुंदरताम याति, जिसके मन में जो भाव अपने प्रियतम के प्रति हो उस प्रकार से वो अपने तिलक को अपनी ऐसी ही सजावट करता है। जैसे गहने बनाने वाला एक ही प्रकार के कंठ के या मस्तक के या नाक के या कान के आभूषण नहीं बनाता, वो अलग अलग आकृतियाँ, अलग अलग सौंदर्यकरण जैसे करता है, उसी प्रकार से
जिसके मन में जैसे अपने प्रियतम के प्रति भाव हों, उस प्रकार के भावों का वो सौंदर्यकरण अपने तिलकों में आजकल करने का प्रचलन है। पर मूलभूत रूप से जो चार रंगों का समावेश तिलक में किया गया है उनका प्रतीक है। लाल रंग जो हम रोरी का कंकु का तिलक करते हैं वो अनुराग का प्रतीक है, वो प्रेम का प्रतीक है। श्याम रंग वो विराग का प्रतीक है, हमें प्रभु प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ा है और प्रभु को सब कुछ समर्पित किया है, और जो प्रभु को समर्पित किया है वही समर्पित हमारे जीवन का श्रृंगार है। ये वैराग्य रूप समर्पण है और उसका प्रतीक जो है वो श्याम रंग है। ऐसे ही पीत रंग जो है वो स्नेह का प्रतीक है, स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तः। तो स्नेहात्मिका भक्ति हमारे जीवन का, हमारे मार्ग का सर्वोपरि सिद्धांत माना गया है। उस स्नेहात्मिका भक्ति का प्रतीक ही पीत रंग है और केसरी जो रंग है वो आनंद का प्रतीक है। इसलिए हमारे यहाँ हर उत्सवों पर उस आनंद के प्रतीक के रूप में केसरी वस्त्र को भी धारण किया जाता है, और हम जब प्रभु का प्रागट्य होता है तब भी हम ये नहीं कहते कि नंद घर कृष्ण भय जय कन्हैया लाल की, हम यही कहते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो उस आनंद का प्रतीक जो है वो केसरी रंग है। उसी प्रकार से लाल अनुराग प्रेम का प्रतीक, श्याम विराग का, सर्वस्व समर्पण और अनासक्त होकर जो हमने सब कुछ लौकिक जड़ जीव को सब त्याग किया और प्रभु को समर्पण किया है और उसका ग्रहण प्रभु प्रसादी के रूप में हम करते हैं, ये भक्ति मार्गीय वैराग्य है। और उसी प्रकार से स्नेह वो पीत रंग है और केसरी वो आनंद का प्रतीक है। इन लगभग चार रंगों का दर्शन हम ऊर्ध्वपुंड तिलक में, जो हम तिलक धारण करते हैं उसमें किया जाता है। जैसे शंकर परंपरा में त्रिपुंड धारण करके तिलक किया जाता है, वो शंकर परंपरा है। ऐसे ही पूर्ण चंद्राकार अर्धचंद्राकार तिलकों का विधान शाक्त परंपरा में प्राप्त होता है, और वैष्णवी विधान जो है वो वैष्णवी परंपरा में विष्णु हो अपत्य पुमान इति वैष्णव, जो विष्णु के जो अंश हैं, जो वैष्णु के अंश में वैष्णव हुए हैं और वो वैष्णव अपने मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण करते हैं। उस ऊर्ध्वपुंड तिलक के जो अलग अलग प्रकार हैं उसमें संशोधन करते हुए श्री गोपिका अलंकार जी का एक बहुत सुंदर श्लोक प्राप्त हुआ, ऊर्ध्वपुंड समाख्याता कश्मीर कुंकम युतम सदा। ऊर्ध्वपुंड समाख्याता कश्मीर कुंकुम युतम सदा, श्याम अनुरागेण पूरेण पीतम वात्सल्य समलंकृता। और ये पीत वात्सल्य समलंकृता, तो हमने जो चर्चा करी उसके पूरक में श्री गोपिका अलंकार जी का ये श्लोक उद्धृत करते हुए कि इस प्रकार से ऊर्ध्वपुंड समाख्याता, तो हमारे मस्तक पर हमारे बाह्य श्रृंगार के रूप में अपने दासत्व को सिद्ध करने के लिए ये ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण करना चाहिए, और कश्मीर कुंकुम केसर के कुंकुम अथवा तो हल्दी से बने हुए कुंकुम का तिलक करना चाहिए। श्याम अनुराग, श्याम का जो प्रकार है वो अनुराग के रूप में आपने बताया, जो हम विराग की बात कर रहे थे वो अनुराग युक्त विराग, न तो हमने सब कुछ छोड़ा है न तो हमने सब कुछ तोड़ा है, लेकिन हमने सब कुछ जो हमारा था हमारे सहित अपने आप को सबके सहित श्री कृष्ण की ओर मोड़ा है, यही तो अनुरागमय वैराग्य है। तो उस प्रकार से श्याम अनुरागेन पूरेण पीत वात्सल्यम समलंकृता, तो ये पीत जो है वो वात्सल्य का स्वरूप, वो स्नेहात्मिका भक्ति का रूप है, और इस प्रकार से समलंकृता, इस प्रकार से जब हमारे देह को हम इस तिलक के रूप में जब हम सुशोभित करते हैं तब संपूर्ण रूप से हमारी वैष्णवी समर्पणात्मक दास्य भक्ति का परम चरम श्रृंगार करते हुए हम अपने जीवन का धन्यता का अनुभव करते हैं। यहां जो भी विराजमान है वो सभी व्रज भक्तों के रूप में, श्री जशोदा जी के रूप में,
श्री स्वामिनी जी के रूप में, श्री सहचरियों के रूप में, श्री गोपीजनों के रूप में, ग्वाल बालों के रूप में ही अपने आप को सेवा रीत प्रीत ब्रजजन की जनहित जग प्रकटाई। ऐसे श्री आचार्य चरणों के मार्ग में हम सब ब्रज भक्तों के कानी से ही तो सेवा कर रहे हैं। तो ब्रज भक्तों के यहां तो फिर कोई भी यशोदा जी या गोपीजनों के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। पुरुषोत्तम तो एक केवल और केवल हमारे आराध्य श्री कृष्ण हैं। इसलिए हमारे यहां महिलाओं को तिलक का विधान कहीं प्राप्त नहीं होता है, और पुरुष जो तिलक लगाते हैं महिलाओं को प्रसादी चंदन का, प्रसादी कंकु का, प्रसादी कश्मीर कुमकुम केसर आदि का बिंदी करनी चाहिए, प्रसादी गुलाल आदि अपने मांग में भर सकते हैं। और वैसे ही पुरुष जो हैं वो प्रसादी कुमकुम का ही केसर युक्त हल्दी वाला जो कंकु होता है उस रोरी का तिलक हमें करने का विधान प्राप्त होता है। तो ऊर्ध्वपुंड तिलक हमारे श्रृंगार के रूप में हम सब धारण करें, और उस धारण विधि के द्वारा हम अपने प्रियतम प्रभु की प्रसन्नता का कारण बने, हमारी पात्रता वैष्णवी पात्रता में रूपांतरित हो, और उस चरण चिन्ह के मस्तक पर विराजने से निरंतर प्रतिक्षण हमारे जीवन में दास्य भक्ति का आराधन करने में हम सामर्थ्यवान बने। यही भावना युगल पादारविंदों में करते हुए कि हम जितने भी वैष्णव हैं सभी के मस्तक पर अवश्य रूप से आचार्य आदेश के रूप में, आचार्य चरणों के आदेश के रूप में जो वैष्णव हैं उनके मस्तक पर अवश्य तिलक धारण हो, और वो तिलक के बिना उनका सूना मस्तक नहीं रहे। ऐसी भावना प्रत्येक ब्रह्म संबंधी वैष्णव के हृदय में विराजमान हो। कंठ उसका कभी कंठी के बिना सुना न रहे, मस्तक उसका कभी तिलक के बिना सुना न रहे, और इस प्रकार से उसका ये जो बाह्य श्रृंगार जो वैष्णवी श्रृंगार है उससे उसका देह हमेशा जगमगाता रहे और प्रभु की प्रसन्नता का आप और हम कारण बने। यही भावना श्री ठाकुर जी के चरणों में करते हुए आप सभी के हृदय में विराजमान उस कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, उस स्वरूप के चरणों में आज अपने वाक्सुमनों को समर्पित कर रहा हूँ। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।